वह रे सुशासन, वह रे प्रशासन। जे इस सीसीटीवी वीडियो ने बिहार के सुशासन की पोल खोल कर रख दी है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक बंदूक लेकर दुकान के अंदर आता है और फिर वो दुकान से पैसे लूट ले जाता है। दरअसल बिहार के वैशाली में ग्राहक बनकर आए एक अपराधी ने पिस्तौल के बल पर दवा दुकान में कैश और मोबाइल लूट कर फरार हो गया। 8:12 समय हो रहा था, वो लड़का मेरे यहाँ आया, बोला कि मेरे हाथ में जख्म है, इसका दवा लेना है। दवा उसको हम दिए 10 रुपये का 2 टेबलेट। वो इधर उधर देख रहा था, हम बोले कि बाबू आपको और कुछ लेना है? तो नहीं, कुछ नहीं लेना है। वो लड़का मेरे यहाँ से चला गया। उस समय मुंह खोले हुआ था, मफलर गर्दन में लटकाए हुआ था। वही लड़का फिर 8:21 पर आता है और आते हुए मेरे पैर में काउंटर के ऊपर से सो करके मेरे कमर के नीचे पिस्टल जो है सो भिरा दिया और बोला ए माल निकालो, माल निकालो, माल निकालो। इस लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक लड़का काउंटर के पास आता है तो उसके हाथ में बंदूक साफ दिखाई दे रही है। वो बंदूक लेकर आता है और पैसा और फोन लूट कर चला जाता है। दरअसल देर शाम महुआ बाजार में एक दवा दुकान में एक अपराधी ग्राहक बनकर पहले दवा खरीदने आया। पहले तो वो दवा लेने के बाद चला जाता है, लेकिन फिर 5 मिनट बाद ही दुकान पर वो दोबारा आधमकता है और दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर कैश और मोबाइल लेकर फरार हो जाता है। तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह अपराधी अपने कमर से पिस्तौल निकालता है, फिर कैश बॉक्स में रखे पैसे और मोबाइल निकालकर चलता बनता है। लुटेरा 1 मिनट के अंदर 3 बार आता है और पैसे और मोबाइल को लूटकर फरार हो जाता है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है, लेकिन जिस तरह से लूट को अंजाम दिया गया है वो बताता है कि बिहार में कानून का इकबाल कितना है।